हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये i20 का कंप्रेसर है। मैं इसको रिपेयरिंग के लिए खोला था, रिपेयरिंग के लिए खोला था, लेकिन कंडीशन देख करके रिपेयरिंग होने लायक जैसा है नहीं कंप्रेसर। तो एक्चुअली इसका कंप्रेसर का रीज़न बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ था जो कि कंप्रेसर फेल हो गया। तो सबसे पहले बात यह है कि कंप्रेसर की क्लच की हालत जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं क्लच टूट गई है। क्लच टूटता है क्यों है? क्लच घिसने के बाद, यानी कंप्रेसर जब जाम हो चुका था इसकी, यानी कंप्रेसर चलते 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 जाम हो चुका था, जो कि जाम क्या हुआ था? ये वाली प्लेट। तो ये वाली प्लेट में, स्वास प्लेट में, ये रही पिस्टन कनेक्टेड रहता है और पिस्टन के साथ बॉल कनेक्टेड रहता है। तो ये वाली बॉल जो है ये पिस्टन के अंदर जाता है, ये दोनों पोर्शन में बैठ करके ऐसा ये बैठता है यहाँ। तो ये जाम हो चुका था, यहाँ लुब्रिकेशन नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ये जाम हो गया था। तो ये जो जब जाम हो गया था तो इसमें कनेक्टेड रहता है, ये वाली क्लच कनेक्टेड रहता है, तो ये जाम घूमने लगा था, यानी ये पुली में पकड़ता था छोड़ता था, पकड़ता था छोड़ता था। तो ये पकड़ छोड़ करने में यहाँ हीट हो जाता था। हीट होने के बाद ये वाली जो कॉयल है, मैग्नेट कॉयल जिसे बोलते हैं, तो ये वाली कॉयल को जला दिया है, यानी पूरा देख पा रहे हैं आप, पूरा जल गया है। तो जल जाने की वजह से कंप्रेसर कुछ टाइम तो चला होगा, यानी जब भी जाम हुआ तभी तो बंद नहीं पड़ा होगा, या फिर तभी मैग्नेट कॉइल जल नहीं गया होगा, कि मैग्नेट कॉइल उसी टाइम अगर जल जाता तो कंप्रेसर को ऑन ही नहीं करता, इंगेज नहीं करता, क्लच को इंगेज नहीं करता, तो कंप्रेसर की यह हालत नहीं होती। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिस्टन, ये वाली पिस्टन तो सही है, ये वाली पिस्टन सही है, पिस्टन खराब कौन सा हुआ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये वाली पिस्टन यहाँ से मार लग गई है इसमें, और ये वाली में भी मार लग चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम इसको फिटिंग भी करेंगे ना, बना भी देंगे ना, तो ये वापस से अपनी जगह फिर से वैसे ही जाम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बॉल है ना, ये इसको प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ये वापस से फिर वैसा ही हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि इसको बनाना बेकार है। तो और सबसे पहले बात, इसका कमाल का बात तो ये है, ये वॉल प्लेट आप देख पा रहे हैं, ये रही वॉल प्लेट। मेन कमाल यहीं से पंपिंग को क्रिएट करने का रहता है, ये इसमें अगर जंग वगैरह या फिर घिस जाने के बाद ये काम अपना प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है, तो और आपका कंप्रेसर पंपिंग भी नहीं करता है। तो कभी कभी होता क्या है, ये सब कुछ सही रहने के बावजूद भी पंपिंग नहीं करता है। तो इसके अंदर, यानी बैक प्लेट के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, इस साइड एक वाल रहती है, वाल रहता है जो कि चलते चलते कभी कभी भी ये फेल हो जाता है। तो ये वाल पंपिंग क्रिएटिंग का काम करता है, जो कि ये अगर फेल हो जाता है तो आपका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले भी कोई भी कंप्रेसर हो i20, जिसमें जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वाल या फिर सादा वाल लगता है, तो कंप्रेसर खोलने के रिपेयर करने से पहले एक बार वो वाल चेंज करके देख ले, शायद हो सके पंपिंग बना ले, क्योंकि ये वाल फेल हो जाता है। ये वाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दूसरी गाड़ी में मैं लगा दिया हूँ, इसकी वजह से नहीं तो दिखा देता मैं। जो कि ये रही आपका इलेक्ट्रॉनिक वाल, जो कि पंपिंग को क्रिएट का काम करता है, क्रिएटिंग का काम करता है। ये फेल हो जाने के बाद आपका कंप्रेसर काम ही नहीं करेगा, यानी कूलिंग होगा ही नहीं। तो ये आप एक बार चेंज करके देख ले। तो सबसे पहले बात, ये कंप्रेसर का रीज़न आपको बता देता हूँ कि जाम क्यों हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ना रहने के वजह से ना, तो ये प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा था, यही वजह है कि ये कंप्रेसर जाम हो चुका था। क्योंकि ऑयल कंप्रेसर को, यानी लुब्रिकेट का काम करता है, जो कि अंदर ऑयल सूख गया था, सूख जाने की वजह से वो जो बॉल दिखाया मैं आपको, वो बॉल की वजह से बॉल एक यानी श्वास प्लेट में घूम नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे कहीं जाकर के अटक गया और कंप्रेसर जाम हो गया। जाम होने के बाद पूरी कंप्रेसर की वाट लगा दिया। तो यही रीज़न है कि कभी भी आप सर्विस सेंटर पे लेके जा रहे हैं तो कंप्रेसर में ऑयल वगैरह ये सब चीज़ चेक करवा के लें, क्योंकि कंप्रेसर सस्ती नहीं रहती है, 15 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। सादा कंप्रेसर 14-15 तो मिल जाएगा, लेकिन अगर महंगी वाली कंप्रेसर लेंगे, न्यू मॉडल वाली गाड़ी का, तो लगभग आपको 15 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये आप अपने कंप्रेसर, अपने गाड़ी का केयर खुद करें, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है।
यही रीज़न है, बाकी दूसरा और कुछ नहीं। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आपके दिमाग में कोई भी सवाल अगर आता हुआ होगा ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो कुछ भी कमेंट हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।